ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एचटीएमएल। क्लियर है? हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वेब प्रोग्रामिंग या वेब आप कह दो कि वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज को। क्लियर है? तो आज हमारे पास वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज के अंदर जो बेसिक लैंग्वेज है या आप बेसिक जो आप मार्कअप लैंग्वेज कहते हो वो एचटीएमएल है। कौन सी है? एचटीएमएल। क्लियर? तो आपके पास एचटीएमएल है क्या, उसके कौन से पर्पज हैं, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML एक क्या है? स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। आगे चल के मैं बताने वाला हूं मार्कअप क्या है। क्लियर? तो आपके पास ये हम यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट को या उसके वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। क्लियर? अब उसके बाद HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आपको नजर आ रहा है ना HTML, उसका मकसद है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आपके पास है कि इसके जो फादर है या जिनने जिन्होंने ये आपको प्रोवाइड की या क्रिएट करके प्रोवाइड किए वो है टिम बर्नर्स ली। क्लियर? टिम बर्नर्स ली या आप सर टिम बर्नर्स ली कहते हो उसको। इन्होंने ही HTTP का भी इंट्रोडक्शन दिया था। WWW जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है उसका भी इंट्रो दिया था। मैं इसके ऊपर भी बनाने वाला हूं जो है एक लेक्चर कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, उसके अलावा आपके पास इंटरनेट क्या है, इनमें डिफरेंसेस कौन से हैं। अच्छा, डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। तो HTML एक्चुअली यूज होती है कि आपके पास जितनी भी वेब पेजेस बनती है उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए या उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। HTML elements are the building blocks of HTML pages. अब elements क्या होते हैं? Elements कहते हैं जो HTML के अंदर आप text वगैरह use करते हो ना, उनको हम elements कहते हैं। Clear? तो वो elements use होते हैं HTML के अंदर to make those web pages which is used for the structure of any web page. Clear है? Okay. HTML elements are represented by text. जो मैं एलिमेंट कह रहा हूं टेक्स्ट को ही कहते हैं हम। क्लियर है? HTML टेक्स्ट लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल एंड सो ऑन। तो आपके पास जो टेक्स्ट हम कह रहे हैं एलिमेंट कहते हैं वो एक्चुअली यही होते हैं कि पैराग्राफ हो गया, टेबल हो गया, हेडिंग्स हो गई, ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके? HTML के। सही है? जिसपे HTML पूरी जो है आपके पास ओके अच्छा उसके बाद है ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। वेब ब्राउजर्स आपके पास HTML टैग्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। सही है? वेब ब्राउजर सिंपली उन टैग्स के अंदर जो आप डेटा या कंटेंट लिखते हो उनको रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? HTML टैग्स आपको शो नहीं होते वेब ब्राउजर के ऊपर, सिर्फ उनके अंदर जो हम डेटा लिखते हैं वो शो करते हैं। आगे चल के हम प्रैक्टिकल भी कर देते हैं। बट यूज देम टू रेंडर द कॉन्टेंट ऑफ द वेब पेज। आपके पास सपोज आपने एक पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया, एक पैराग्राफ का टैग क्लोज किया। अब वो पैराग्राफ का टैग आपके पास वेब ब्राउजर के अंदर शो नहीं होगा, उन दोनों टैग्स के बीच में जो आप डेटा या कॉन्टेंट लिखोगे ना, कॉन्टेंट हम डेटा को कहते हैं। कॉन्टेंट किसको कहते हैं? डेटा को, यानी कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ये कॉन्टेंट है। तो उन दोनों टैग्स के बीच में आप जो कॉन्टेंट लिखोगे उसको रेंडर करने के लिए आपके पास HTML बनाई गई है या आपके वेब ब्राउजर वही काम करते हैं। उसके बाद आपके पास व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप। हम जो कह रहे हैं ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज का तो समझ में आ रहा होगा, इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनी ह्यूमन और एनी मशीन। सही है? अगर हम कंप्यूटर से भी इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमें लैंग्वेज की नीड है। सही है? जो जीरो एंड वन की लैंग्वेज है, फिर हमें उसे ट्रांसलेट करके समझानी है, फिर भी हम समझा रहे हैं। सही है? लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स भी जो बिलोंग करते हैं, हम जो डिपेंड करते हैं, वो किसके ऊपर करते हैं? लैंग्वेज के ऊपर। अगर हम एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। सही है? अब आपके पास हाइपर टेक्स्ट क्या है और मार्कअप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट Which contains links to other hypertext के पास होता क्या? Hypertext हम उस text को कहते हैं जिसके ऊपर links होते हैं।
हाइपर टेक्स, हाइपर मीन्स टू जंप, टेक्स मीन्स उस टेक्स के ऊपर जब आप क्लिक करो तो जंप कर लो कहीं, सुन में आ रहा है? हाइपर टेक्स, हाइपर टेक्स का मकसद ये है कि आप हाइपर टेक्स को यूज करते हो ताकि हम किसी और पर्सन या जो भी हम, सपोज आप लोगों ने गूगल क्रोम वगैरह के ऊपर सर्च किया है कोई, जब भी सर्च करते हो आपके पास कुछ लिंक्स आती हैं, आप क्लिक करते हो तो कहीं और मूव हो जाते हो, उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, वो टेक्स्ट जिसके ऊपर लिंक होते हैं। आप लोगों ने वर्ड के अंदर भी पढ़ा था ना हाइपर लिंक, याद है कुछ? तो वो टेक्स्ट जो फॉर द सेक ऑफ जंपिंग यूज होता है उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। चाहे आप जंप करो ऑन क्लिक, किसी वीडियो के ऊपर क्लिक करें तो मूव हो जाए, किसी ऑडियो के ऊपर, किसी इमेज के ऊपर या किसी टेक्स्ट के ऊपर। अब आपके पास मार्कअप क्या है? मार्कअप लैंग्वेजेस, मार्कअप एक्चुअली लैंग्वेजेस होती हैं, सही है? एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक होती है मार्कअप लैंग्वेजेस, समझ में आ रहा है? तो आपके पास मार्कअप लैंग्वेजेस आर डिजाइनड फॉर द प्रोसेसिंग, डेफिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि आप उस टेक्स्ट को कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हो, प्रोसेस करना चाह रहे हो, या ठीक है आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो। अब इसका मकसद यह है कि आप टेक्स्ट को वेबसाइट्स के ऊपर कैसे डिस्प्ले करना चाह रहे हो, उस पर्पस के लिए हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है? मार्कअप लैंग्वेजेस। अब उसके बाद द लैंग्वेज स्पेसिफाइज कोड फॉर फॉर्मेटिंग बोथ ऑफ द लेआउट एंड स्टाइल। ये लैंग्वेजेस जो मार्कअप लैंग्वेजेस यूज होती हैं, उसी टेक्स्ट को स्टाइल और फॉर्मेट देने के लिए, क्लियर? उसके बाद अब वो जब स्टाइल या फॉर्मेटिंग यूज करती है तो वो किसके थ्रू यूज करती है? उन्हीं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो HTML के टेक्स्ट हैं उसी के थ्रू हम फॉर्मेट भी देते हैं और उसके ऊपर स्टाइल भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? HTML इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइडली नोन एंड मार्कअप लैंग्वेज। तो आपके पास जो ज्यादातर यूज है इसका, ज्यादातर हमने जो देखा है ना मार्कअप लैंग्वेजेस के अंदर, वो ज्यादातर HTML ही यूज होती है, सही है? और भी बहुत सारी है, ओके। उसके बाद है आपके पास व्हाट इज वेब पेज, वेब पेज क्या है, सही है? HTML समझ में आया सबको? अब हम पढ़ते हैं कि आपके पास वेब पेज क्या है। तो वेब पेजेस आर व्हाट मेक अप द वर्ल्ड वाइड वेब। जो आप सुनते हो ना वर्ल्ड वाइड वेब, किसी भी वेबसाइट से पहले आप www लिखते हो ना, उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, सही है? तो आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब को कौन क्रिएट करता है? These web pages, सही है? अब these documents are written in HTML, जितने भी web pages बनाते हैं HTML के अंदर लिखते हैं, clear? And are translated by your web browser, और जो इसको translate करता है पता है वो कौन करता है? web browser करता है। जो भी आप coding लिख के HTML के अंदर run करते हो तो run होने से पहले जो translate करता है उस HTML की coding को वो web browser होता है, समझ में आया? वेब पेजेस कैन इधर बी स्टैटिक और डायनामिक। तो आप वेब पेजेस स्टैटिक भी बना सकते हो और डायनामिक भी बना सकते हो। स्टैटिक वेब पेजेस वो होते हैं जो सिर्फ आपको प्रेजेंट करते हैं डेटा को, उनके ऊपर यूजर कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता। इसका मकसद ये, आप जब भी HTML का यूज करोगे या किसी भी मार्कअप लैंग्वेज का यूज करोगे तो उसके अंदर सिर्फ आप डिजाइनिंग करोगे, समझ में आ रहा है? उन कंटेंट्स को हम एज अ स्टैटिक डिजाइन करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट किसको कहते हैं? आप लोगों ने HTML के अंदर एक लॉगिन पेज बना दिया लेकिन वो काम नहीं करता तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं, सही है? बटन्स या आपने इनपुट टाइप वगैरह लिख दिए लेकिन उनके ऊपर क्लिक करोगे तो कोई एक्शन नहीं होता HTML के अंदर अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो। लेकिन अगर उसी के ही ऊपर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्लाई कर दें, यानी कि PHP, AHP, आप JSP वगैरह यूज कर लेते हो, तो फिर वही वेब पेजेस फंक्शनल बन जाएंगे। जैसे आप फेसबुक के ऊपर लॉग इन करते हो तो वो डायनामिक वेब पेजेस हैं, सही है? उनमें हम कोई क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है, आपका डेटा कहीं ना कहीं सेव होता है, उसी से कंपेयर करके फिर आपको लॉग इन के लिए अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता, सही है? तो स्टैटिक वेब पेजेस वो होते हैं जिनके ऊपर यूजर कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता और वो सिर्फ डिजाइन होती है, सही है? और डेवलपमेंट तब होती है जब आप कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके उसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हो,
सही है, डायनामिक वेब पेजेस वो होते हैं। उसके बाद अ वेब पेज इज एन इंडिविजुअल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, तो वेब पेज एक क्या है, सिंपली इंडिविजुअल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद व्हाट इज वेबसाइट, वेब पेज क्या समझ में आ गया, अब वेबसाइट क्या होती है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो आपने अभी पढ़ा ना वेब पेज, वेब पेज के अंदर जाहिर है कोई ना कोई कंटेंट होता है, डेटा होता है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, सही है। फिर उन्हीं वेब पेजेस को जब आप क्या करते हो, जोड़ते हो, तो आपके पास वेबसाइट बनती है। क्लियर? तो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विथ इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट। अब इसका मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट, अब इसका मकसद यह है कि जिस टाइटल के साथ या जिस सब्जेक्ट की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, सपोज मैं बनाना चाह रहा हूं एक सपोज के ई कॉमर्स की वेबसाइट, सही है, तो आपका जो सब्जेक्ट क्या है, ई कॉमर्स, या आप ऐसा समझ लो कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम कोई अदर चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे, सही है, समझ में आ रहा है। तो सपोज अगर ऑनलाइन शॉपिंग है तो ऑनलाइन शॉपिंग की ही चीजें होनी चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की डेटा वहां पे प्रोवाइड नहीं करनी। क्लियर? अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूं कि सपोज फार्मर्स को हेल्प करवानी है, यानी कि क्रॉप की कौन सी सीजन होती है, कौन सी सीजन में कौन सा क्रॉप होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं एक वेबसाइट बना के अपलोड करना चाह रहा हूं, तो जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही होनी चाहिए वेबसाइट, सही है, तो मैं उसके अंदर एनिमल्स वगैरह की चीजें तो नहीं दूंगा ना, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। क्लियर? वैसे भी तो हम वेबसाइट बनाते ही इसीलिए हैं ताकि हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, ताकि वो एवरीवन कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। क्लियर? उसके बाद इन अ वेब पेज इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ लार्जर वेबसाइट, सही है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेज क्या है, एक स्मॉलर पार्ट है। क्लियर? ऐसे जैसे आपके पास इफ अ वेबसाइट वर अ बुक, अगर पूरी वेबसाइट एक बुक है ना, तो आपके पास एक वेब पेज उसका चैप्टर समझ लो, समझ में आ रहा है, एक पूरी बुक होती है ना, पूरी बुक, तो पूरी बुक को आप एज अ वेबसाइट कह दो, और उसके अंदर जो चैप्टर्स होते हैं उनको आप एज अ वेब पेज कह दो। क्लियर? तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास, आप HTML को स्टार्ट करने के लिए कौन से एडिटर्स या कौन से आपके पास सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर होते हैं, जब आप HTML की कोडिंग करना चाह रहे हो, तो आपके पास आप नोटपैड यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, एडोब ड्रीमियर यूज कर सकते हो, या सबलाइम, या उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हो टू राइट HTML कोडिंग। क्लियर है? हाउ टू सेव HTML फाइल बाय यूजिंग नोटपैड, अब मैं आपको फाइल को सेव करने का तरीका बता रहा हूं। क्लियर है? हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि हम कैसे HTML के डॉक्यूमेंट को राइट करने से लेकर सेव करने तक। क्लियर? अब आपके पास स्टेप वन में आपको नोटपैड ऑन करनी है। अब ओपन कहां से करते हैं, मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि अगर आपके पास विंडोज 8 है या उससे बाद के हैं, तो ओपन करें स्टार्ट स्क्रीन, यानी कि दिस वन। क्लियर? और आपने बाद में क्या करना है, देखो लिखा हुआ है एट द बॉटम लेफ्ट ऑन योर स्क्रीन टाइप नोटपैड, यहां पे आने के बाद आपको क्या रखना है, नोटपैड लिख देनी है, देखिए आ रही है, और आप एंटर कर दो, नोटपैड ऑन हो गई, समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद आपने करना ये, अगर विंडोज 7 है आपके पास, तो वहां पे आपके पास स्टार्ट बटन अलग से आता है। क्लियर? तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओपन स्टार्ट, प्रोग्राम्स में जाएंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे, और वहां से जाके आपको नोटपैड चूज कर लेनी है। क्लियर है सबको? उसके बाद आपने करना ये स्टेप टू, राइट सम HTML, आपने नोटपैड ऑन कर ली, और उसके बाद आपको कुछ HTML लिखनी है। क्लियर? तो आप सिंपली ये जाके
कोडिंग कर ले। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इसमें से, सही है, आगे चल के हम एक एक चीज को एक एक टैग को डिफाइन करेंगे, लेकिन आपने सिंपल ये समझ लो कि एक कोडिंग है HTML की जो हम वहां पे लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, ये लिखने के बाद आपने करना ये स्टेप 3, सेव द HTML पेज। अब आपने ओपन की नोटपैड, उसके अंदर कुछ कोडिंग की, अब उसको हम सेव करने लगे। क्लियर? तो सेव करने के वक्त आपने करना क्या है, सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर सेव करना है। सिलेक्ट फाइल, यानी कि आपको नोटपैड के अंदर जाना है, सही है। मैं वो कोडिंग कर ही लेता हूं, क्लियर? अब ये लिखने के बाद आप फाइल में जाओगे और यहां से आके क्या करोगे, सेव एज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? और वहां पे भी मैंने एज इट इज प्रोवाइड कर दिया है। नेम द फाइल, आपको फाइल का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, यहां पे index.html लिखा हुआ है, आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस, 1, 2, 3 किसी का नाम लिख दो, लेकिन वेब पेज का नाम वो लिखो जो उस वेब पेज का पर्पज है, सही है। अगर होम पेज है तो उसका होम पेज लिख दो, ज्यादातर होम पेजेस को हम इंडेक्स लिखते हैं। या आपके पास अगर लॉगिन पेज स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो लिख दो, साइन अप पेज है तो उसका नाम एज इट इज होना चाहिए, क्योंकि कल को जब आप उस वेब पेज को ओपन करें तो आपको आइडिया तो हो जाए कि ये मैंने इस नाम से सेव किया था। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट आप अपने वेब पेज का नाम रखें तो बेस्ट ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद आपके पास ये आ जाएगी एज इट इज विंडो जो वहां पे आ रही है आपके पास, है ना। तो आपको डबल कोट्स के अंदर लिख देना है, और देखो यहां पे ऑल फाइल्स उसने सिलेक्ट किया है। क्या सिलेक्ट किया है? ऑल फाइल्स। तो यहां से आके आपने क्या करना है, देखो अभी कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स श्योर है, क्या श्योर है देखे, सही है। तो यहां से आके आपको ऑल फाइल सिलेक्ट करना है। ऑल फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप डबल कोट्स स्टार्ट करो, सही है। बेहतर यह है कि डबल कोट स्टार्ट करो, उसके अंदर फाइल का नाम जो भी रखना चाह रहे हो, स्मॉल में कैपिटल में आपकी मर्जी है। और उसके बाद HTML का वेब पेज है तो उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए .html। आप HTM भी रख सकते हो, HTML भी रख सकते हो, समझ में आ रहा है। आप दोनों तरीकों से इसको सेव कर सकते हो। डबल कोट्स को फिर से क्लोज करना, समझ में आया। डबल कोट स्टार्ट, वेब पेज का नाम, एक्सटेंशन, डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद आपने सेव कर देना है। समझ में आया? अच्छा, यहां से आके आप सेव कर सकते हो। और यहां से इनकोडिंग जो है UTF-8 रखना है, ये कभी भी चेंज मत कीजिएगा। यहां पे देखिए आपके पास देखें, यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, UTF-8 आ रहा है इनकोडिंग में, तो इनकोडिंग में UTF-8 ही रखना है, सही है। ये कैरेक्टर सेट कहलाता है, सही है, जो आपको कैरेक्टर सेट इनकोडिंग के अंदर यही देना है। क्लियर है? उसके बाद आपने सेव कर देना है डॉक्यूमेंट को। और सेव करने के बाद आपने करना क्या है, स्टेप 4, कि आपने उस डॉक्यूमेंट को व्यू कैसे करना है। क्लियर? तो आपने व्यू द HTML पेज इन योर वेब ब्राउजर, तो आपने वेब ब्राउजर के अंदर अगर उसी वेब पेज को शो करना है तो हम कैसे आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो ओपन द सेव्ड HTML फाइल जहां पे आपने सेव किया है उसको ओपन करें, या अगर अपनी मर्जी के वेब ब्राउजर के अंदर ओपन करना चाह रहे हो तो राइट क्लिक करके उस वेब ब्राउजर में ओपन कर लें। कभी कभार हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं, क्रोम होता है, मोज़िला होता है, ओपरा होता है ना, तो जिसमें आप ओपन करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि क्रोम के अंदर ही रन करना, सही है। द रिजल्ट विल लुक मच लाइक दिस, तो आपके पास आउटपुट ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो हमने कोडिंग की है अकॉर्डिंग टू द कोडिंग
योर आउटपुट शुड बी लाइक दैट. क्लियर. उसके बाद है आपके पास HTML headings, जो हम इसके अंदर बेसिक टेक्स्ट यूज करते हैं, उसका मैं पर्पज बता रहा हूं. तो HTML headings are defined with the H1 to H6. सही है. HTML की जो headings होती है ना, हम वो देते हैं H1 से लेकर H6 तक, उससे ज्यादा headings नहीं है. Headings का मकसद ये है कि हम HTML के जो टेक्स्ट लिखते हैं ना HTML के अंदर, उनको ज्यादा कम या बड़ा कर सकते हैं by using headings. और defines the most. अच्छा मैं यहाँ पे कोडिंग कर ही लेता हूँ इसकी ना, ये जो आपने किया है. और इसको अगर आपने जहां पे सेव किया है, ठीक है, इसको आपने जहां पे भी सेव किया है, सपोज हम इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं, आपकी ही पेज का नाम रख देते हैं. सही है. इसको क्या किया हुआ है इनकोडिंग को, अनसी है, यहां पे आप UTF-8 रखो. सही है. क्लियर. और उसके बाद आपने करना यह है कि उसको रन करना है. सही है. रन कैसे करते हैं, तो आपने अभी एक फोल्डर बनाया जिसका नाम ये था और मैं यहां से आके इसको रन कर देता हूं. देखें आपके पास उसके अंदर मैंने एक ही पैराग्राफ लिखा था, फर्स्ट पैरा. श्योर है. क्लियर. अब मैं इसके अंदर हेडिंग्स अप्लाई करूंगा. क्या अप्लाई करूंगा, हेडिंग्स जो वहां पे हम पढ़ रहे हैं ना, हेडिंग्स वो हम अप्लाई करने वाले हैं. तो यहां पे आए तो मैं पैराग्राफ को हटा ही देता हूं और यहां पे लिखता हूं H1. अच्छा ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, इसके टेक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्लियर. तो आप HTML बड़े लेटर्स में लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, आउटपुट वही आएगा, आउटपुट पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला. सही है. तो मैं इसको लिख देता हूं हेडिंग 1. ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है. क्लियर. यानी कि आपका टेक्स्ट जो ज्यादा अगर शो करना चाह रहे हो बड़ा, तो आपको H1 के अंदर लिखना है. अगर उससे कम शो करना चाह रहे हो तो H2 अप टू H6. तो यहां से आके कहते हैं ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है. ये 4 है. अच्छा नोटपैड के अंदर इसीलिए कोडिंग कर रहा हूं ताकि आपको नोटपैड के अंदर भी कभी कभार डिम्योर नहीं होता. सही है. तो आपके पास नोटपैड के अंदर भी कोडिंग आपको करनी आनी चाहिए. क्लियर. तो हमारे पास ये कोडिंग हेडिंग्स हो गई हैं. तो यहां से आगे रिफ्रेश कर दें, देखें आपको शो हो रहा है. H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे कम, H3 उससे कम, H4 उससे कम और H5 अप टू H6. क्लियर. H1 सबसे बड़ी हेडिंग और H6 सबसे छोटी हेडिंग कहलाती है, स्मॉल हेडिंग कहलाती है. क्लियर है सबको. ओके. तो ये थे आपके पास इसके अंदर हेडिंग्स. ओके. तो आपके पास ये मैंने आपको करके दिखा दिए प्रैक्टिकली. अच्छा HTML डॉक्यूमेंट्स, ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विथ अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन. मैं आपको एक एक जो आपका टैग है ना, जो आप लिखते हो HTML हेड टाइटल बॉडी, इनका पर्पस बताता हूं. क्लियर है. तो आपके पास आप डॉक टाइप देते हो. सही है. एक्सिलरी साइन और आपके पास ये डॉक टाइप, ये पता है क्यों देते हैं, HTML5 के जो आपके पास अभी आए ना न्यू वर्जन ऑफ HTML 5, उसके अंदर हम डॉक टाइप लगाते हैं. ये सिर्फ इसीलिए ताकि हम वेब ब्राउजर को बताते हैं कि इसके अंदर मैं HTML5 के भी कोड लिखूंगा. सही है. उसको सपोर्ट करती है. या ओल्ड वेब ब्राउजर्स होते हैं तो उनको समझाने के लिए कि हम जो लिख रहे हैं HTML5 के कुछ टैग होंगे इसको इसके अंदर. सही है. उसके बाद आपके पास इसके अंदर देखो HTML का मकसद क्या है. HTML टैग इंडिकेट्स दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML. जो आप पहला टैग लिखते हो ना, उसको हम रूट एलिमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, रूट एलिमेंट या पहला एलिमेंट. और ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए लिखते हैं ताकि हम
वेब ब्राउजर को बताते हैं कि ये हम जो कोडिंग कर रहे हैं एचटीएमएल की कोडिंग है। किसकी कोडिंग है? एचटीएमएल की कोडिंग है। उसके बाद हम हेड सेक्शन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? किसी भी वेब पेज का हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन के अंदर हम उस वेब पेज का टाइटल देते हैं। क्या देते हैं? टाइटल। और आपको बॉडी सेक्शन के अंदर पूरा कंटेंट देना है या पूरा डेटा, जो भी आप लिखना चाह रहे हो ना, जो आपको वेब ब्राउजर के ऊपर शो होगा, वो जो भी बॉडी के अंदर लिखोगे वही शो होगा। सही है। और एचटीएमएल का टैग हम क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, और बॉडी का टैग भी बॉडी को क्लोज करने के लिए देते हैं। अच्छा, यहां पे देखो, आपने टाइटल क्या दिया था वेब पेज का? माय वेब पेज। शो रहा है? देखें क्या शो रहा है, माय वेब पेज शो रहा है। जो आपने टाइटल टैग के बीच में लिखा है ना, वो आपके उस वेब पेज का टाइटल होगा। क्लियर? हेड के अंदर क्यों लिखते हैं टाइटल? क्योंकि वेब पेज का हेड जो होता है यही होता है। क्लियर? उसी के अंदर हम टाइटल सेट करते हैं उसका। जैसे लॉगिन पेज होता है फेसबुक के ऊपर, आपने देखा होगा फेसबुक लिखा होता है ऊपर टैब के अंदर। सही है। तो हम वो चीजें डिफाइन कर सकते हैं इन टाइटल। ओके, इसके बाद आपके पास क्या है? तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में फिर कुछ और पढ़ते हैं। क्लियर है?